मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उमरिया में आयोजित किए गए जनजाति गौरव सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान उन्होंने शहडोल संभाग में करोड़ों की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, शहडोल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उमरिया के लिए 33 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगातों का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा, यहाँ इंडस्ट्री का विकास किया जाएगा जो स्थानीय चीजों पर आधारित होगी। उन्होंने कहा, स्ट्रीट वेंडर इंडस्ट्री को हमने बढ़ावा दिया जिसमें छोटे छोटे वेंडर बैंकों से लोन लेकर इसका लाभ उठा सकते हैं जिसका ब्याज सरकार भरेगी। उन्होंने कहा, उनकी सरकार ने जनजातियों के उत्पादन को समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है। उन्होंने जनजातीय लोगों के बच्चों के पढ़ाई लिखाई और छात्रावास की व्यवस्था की बात भी कही। उन्होंने कहा, जनजातीय भाई बहनों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर उमरिया में भव्य स्मारक बनाने की घोषणा के साथ रोजगार के लिए भी नए नए आयाम स्थापित करने का आश्वासन दिया गया। शिवराज ने कहा, प्रदेश में लव जिहाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए हम कानून भी ला रहे हैं। तो सजा भी होगी, उस पर जुर्माना भी होगा। भोले भाले लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है, लगातार अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, एक खतरा और है जिससे मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जनजातीय परंपरा हमारी अनादिकाल से चली आ रही है, उस परंपरा को हम बनाए रखें, जीवन मूल्यों को बनाए रखें। और एक बात सुन ले साफ, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में गरीब और जनजाति भाई बहनों का शोषण किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। परसेंट और बाकी 20% दूसरे को भी एडमिशन देंगे ताकि आपस में मिले जुले, संकोच खत्म हो। मन में केवल यह भाव ना आए कि ये ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल। इसलिए कुछ जगह हम ऐसे प्रयास भी करेंगे। और दूसरी बात, जितने बाकी हॉस्टल है उन सब में भी ट्राइबल बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह के छात्रावास हो, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। पढ़ने लिखने में हम अपने बच्चों को कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, से चलाया जाएगा ताकि उन भाइयों और बहनों का भी हमारा विकास हो सके। और शहडोल मेडिकल कॉलेज का नाम भी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ही रखा जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र के गर्व और गौरव है। अभी हमने आमदनी बढ़े इसलिए और कुछ प्रयास किए, लेकिन एक बात और, अपने जनजातीय समाज में कई तरह के मढ़ई होते, मेले होते, हमारे देवस्थान होते, ऐसे सारे मढ़ई को सूचीबद्ध करवा लीजिए। अपने 2 दिवसीय निर्धारित कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री उमरिया जिले से सटे आदिवासी ग्राम किरणताल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासियों को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आदिवासी भाई बहनों को फर्जी वही बनाकर दी गई, इसकी जांच होगी और आदिवासियों को पट्टा देने की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल गांव के लगभग 65 बैगा परिवारों के साथ जमीन की धोखाधड़ी हुई है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री तक मीडिया के माध्यम से पहुंची थी। और नकली वही बना के दे दी जमीन पे कब्जा उनका, वो ये सोच रहे थे कि हमारी है ये जमीन, और बाद में पता चला कि ये तो उनकी है ही नहीं, राजस्व की भूमि है तो सरकारी है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा और मेरा मन नहीं माना कि गरीबों के साथ न्याय नहीं है, बल्कि अचानक मैंने फैसला किया कि डगडगुआ के बाद मैं किरणताल भी जाऊंगा। और हम लोग यहाँ पे आए, हमारे आदिवासी भाइयों से बात भी की और उन्हें बताया कि उनको ठगा गया, कांग्रेस के शासन में छला गया, उनके साथ बेईमानी की गई, धोखा किया गया, फर्जी बही बना के दे दी गई। इस पूरे प्रकरण की मैं जांच करवाऊंगा, लेकिन पहली प्राथमिकता के वर्षों से जब इनका कब्जा है तो अब इनको पट्टा देने की वैधानिक कार्रवाई करूंगा। यहाँ कुछ वनभूमि पर भी बहुत 75-75 साल से कब्जे हैं, उनको भी पट्टे दिलवाएंगे। गरीब को न्याय देना, जनजाति है ट्राइबल्स को न्याय देना, और गरीबों को न्याय देना, आम जनता को न्याय देना, ये मेरा धर्म है। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है, और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार,
कोरोना से लड़ने के लिए। तो एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए आई एम ए कोरोना सोल्जर .com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।